हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। सारे अपने सीए सीए सीएमए वाले बच्चे हो, चाहे तुम बीकॉम ग्रेजुएटेड हो या तुम किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो एक बहुत क्रूशियल चीज होती है। क्रूशियल चीज क्या होती पता है? ताले की चाबी। और जब ताले की चाबी आप गलत, आपको एक मौका मिल रहा है कि आपके पास सामने चाबियां पड़ी हुई है और आप उसमें से एक चाबी सिलेक्ट करो और वो उस कंपनी की चाबी होगी, उस कंपनी की ताले की चाबी होगी जिस कंपनी में आप एंटर करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपने एक गलत सिलेक्शन किया उस चाबी का, गया ना मौका हाथ, लिटरली चला गया। और उस चाबी के बारे में बात करने वाला हूं। तुम लोग पैटर्न में पढ़ चुके होगे कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। क्यों भैया, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा फोर्स डाला जाता है उसके ऊपर? क्योंकि आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उस प्रोफाइल में अप्लाई करने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपके साथ हजारों लोग अप्लाई कर रहे होंगे सेम जॉब प्रोफाइल के लिए। तो जो इंटरव्यूअर होगा या फिर जिसको भी वहां पर बैठाया गया होगा सिलेक्ट करने के लिए, वो लिटरली 4 से 5 सेकंड भी नहीं लेगा, एक पेज का रिज्यूमे आपका देखेगा, उसको पसंद आएगा वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं पसंद आएगा वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके पास क्योंकि 1000 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, सबका इंटरव्यू नहीं लेंगे, सबका इंटरव्यू 1000 में आई थिंक 10 to 50 लोगों को सिलेक्ट करेंगे रिज्यूमे देख के, उतने लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। तो आप कैसे शॉर्टलिस्ट हो सकते हो और आप अपना रिज्यूमे इतना अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो कि आपको डेफिनेटली चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं इंटरव्यू कॉल आने के, वो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे अपना रिज्यूमे बना सकते हो। अब चाहे आप फाउंडेशन लेवल के बच्चे हो, इंटर के हो या फाइनल के हो, तो मैं बोलूंगा चाहे फाउंडेशन लेवल की या क्यों ना हो, आप इस वीडियो को देखो और बनाओ अपना रिज्यूमे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे, एक दिन में परफेक्ट रिज्यूमे नहीं बन जाता, धीरे धीरे आप उसको इंप्रूव करते हो। आप इंटर के बाद आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करोगे या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, एज द केस में भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे ऑफकोर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वहां पर, आपको कब किस जगह पे जरूरत पड़ जाए और आप हड़बड़ी में बनाओगे एक दिन में तो नई बात बनने वाली है। उससे अच्छा अभी से बनाओ, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट करते रहना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहना टाइम के साथ। और एक बार में किसी का परफेक्ट रिज्यूमे नहीं बनता, इवन मेरा भी नहीं, मैं भी आज तक इंप्रूव करते रहता हूँ। जब मेरे को लगता है एक दिन मैं लेके बैठ जाता हूँ, कुछ प्लस माइनस चलते रहता है। तो मैं तुमको ये चीज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं तुमको अपने डेमो रिज्यूमे दिखाता हूँ, जो मेरा खुद का है। ठीक है, वो मैं तुमको दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाया, उसको कैसे डिजाइन किया, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि तुम सेम चीज कहाँ से कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू माइन। तो ये देखो, ये मेरा रिज्यूमे है, ये देखो तुम्हारे सामने दिख रहा है, सिर्फ एक पेज का मात्र। कभी भी अगर तुम बिगिनर हो, तुम फ्रेशर लेवल के हो, एक पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए आपका रिज्यूमे, एक पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो ये देखो आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे जो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर आपको नाम दिखेगा और ये आपको दिखेगा कि आप मतलब अभी आप किस स्टेट पे हो। तो मैं अभी बीकॉम ऑनर्स कर चुका और सीए फाइनलिस्ट हूँ। ठीक है, प्लस आप अपने बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखोगे जिसको वो पढ़ के समझ जाए कि आपके अंदर क्या ऐसा चीज है, अपने बारे में थोड़ा सा एक लाइन में अपने आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे। तो मैं ओनर हूँ सीए भक्त यूट्यूब चैनल का और टॉप एजुकेटर हूँ फिलहाल अनअकैडमी पे। ठीक है, तो मैंने वो चीज लिख के रखी। फिर आप यहाँ पर अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल जो आप यूज करते हो वो आप लिखोगे। तो हियर इज योर जीमेल, हियर इज योर कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने हाइड कर दिया ऑफकोर्स। ठीक है, ये आपका जो भी सिटी है, ठीक है, आप जिस कंट्री को बिलोंग करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो मैंने अपने अपनी आप अपनी अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो आप उसको डाल सकते हो, या फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल डाल के रखा है। ठीक है, रेफरेंस के लिए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डालना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है मैं क्या बोलूँ। और अगर आपको जानना है कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, तो मेक श्योर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों की प्रोफेशनल। मैं मेरा जो चैनल है वो फोकस करता है सीए सीए सीएमए या बीकॉम वाले बच्चों के ऊपर, कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों के ऊपर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपका कोई अदर सोशल मीडिया हैंडल है एक मेंशन हियर लाइक स्काइप एंड ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सबसे पहले पॉइंट्स में जो कि है एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन में आपको अपने क्लास 12th के बारे में लिखना है, अपने कॉलेज लाइफ के बारे में लिखना है, और अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। तो जैसे सबसे पहले मेरा देखोगे तो मैंने प्लस टू किया केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर से, मैंने वो मेंशन किया। मैंने ईयर मेंशन किया है 11th 12th, कौन से ईयर में मैंने कवर किया। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया गुरुघासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर से, और अभी मेरा प्रेजेंट में ये चल रहा है, तो मैंने उसमें मेंशन किया है कि मैंने इस टाइम पे ज्वाइन किया था और अभी प्रेजेंट में चल रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर में कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी फिलहाल जब मैंने एडमिशन लिया है फाउंडेशन से लेकर अभी प्रेजेंट में मैं चल रहा हूँ, और अभी मेरा जो लेवल है वो फाइनल लेवल पे मैं हूँ। उसके बाद बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। तो देखो मैंने लिखा हुआ है मैं एजुकेटर हूँ अन अकेडमी पे। ठीक है, अन अकेडमी के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया, अन अकेडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप। ठीक है, और यहाँ पर मेरा अचीवमेंट क्या है कि मैं टॉप एजुकेटर हूँ अन अकेडमी का इन द कैटेगरी ऑफ सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। वैसे ही अगर आपकी और कोई अचीवमेंट्स है
जैसे ये देखो मैं टीचर हूँ, यूट्यूब में सीए भक्त में पढ़ाता हूँ, तो सीए भक्त यूट्यूब चैनल है 13,000 प्लस सब्सक्राइबर्स के साथ, जहाँ पर मैं प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की मोटिवेशन मतलब अपने बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। और अगर कोई अचीवमेंट है तो जैसे मैंने 10,000 सब्सक्राइबर्स इन जस्ट अ पैसेज ऑफ 8 months टाइम में मैंने कवर किए, तो मैंने वो लिखा है क्योंकि ये सब चीजें भाई प्रेशर डालती है तुम्हारे जो भी रिज्यूमे तुम बना रहे हो कि भाई इसके अंदर दम है, अभी तो इतना मतलब वो हुआ अचीवमेंट्स हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में करंटली वर्क कर रहे हो तो यू कैन मेंशन। बात करूं यहां पर देखो नीचे वाले पोर्शन में आपको लैंग्वेजेस दिखेगी, तो लैंग्वेज में मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं इंग्लिश में अभी टॉप नॉच हो चुका हूं, तो इसलिए मैंने यहां पर 3 dots में दर्शाने की कोशिश की है कि मेरे को जो इंग्लिश है वो 60% आती है, मतलब इवन इतनी इंग्लिश आती है कि मैं किसी क्लाइंट से डीलिंग जरूर कर सकता हूँ इंग्लिश में। दूसरा ये हिंदी मेरे को पूरी कंप्लीट आती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं मेरे को। इंटरेस्ट मेरा है स्केचिंग, टीचिंग, ब्लॉगिंग जो कि मैं बहुत कम करता हूँ, और रीडिंग, ठीक है रीडिंग ज्यादा होती है यहाँ पर। अचीवमेंट्स की बात करें तो आपने जो भी अचीवमेंट्स है जैसे मैंने टॉप एजुकेटर यूट्यूब चैनल अवॉर्डेड 8 times फॉर ड्राइंग्स, और जो भी रैंक था मेरा ओलंपियाड में मैंने वो मेंशन किया यहाँ पर। सर्टिफिकेट्स की बात करूँ तो मेरे पास 2 certificates है IT और OT की ट्रेनिंग्स का, तो मैंने वो मेंशन किया है। और यहाँ पर मैंने अपनी स्किल्स को मेंशन किया एकदम बेसिक सी कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स अच्छी है, मेरी टीम वर्क की स्किल अच्छी है, नेगोशिएशन में अच्छा कर लेता हूँ, डिसीजन मेकिंग। अब नेगोशिएशन में तुम लोग मेरा नेगोशिएशन आम वाला मत ले लेना, नेगोशिएशन मतलब यहाँ पर डिफरेंट बात चल रही, ठीक है। इन्फ्लुएंसर, टेक्निकल मेरे को नॉलेज बहुत ज्यादा है, लाइक तुम लोग को पता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ये सब की नॉलेज आपको है तो आप मेंशन कर सकते हो। टीचिंग स्किल्स और मार्केटिंग की स्किल्स मेरे को अच्छी है, तो ये सारी चीजें मैंने मेंशन की। और इसके साथ ये देखो मेरा सिर्फ सिंगल पेज में कंसाइज होके मेरा एक रिज्यूमे रेडी हो चुका है जो मैं किसी भी फॉर्म में भेजूंगा अगर मेरे को वहां पर अप्लाई करना है फॉर द जॉब और फॉर आर्टिकलशिप एज वेल, जो कि मैंने भेज भी दिया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर ऐसा है, तो अब तुमको भी ऐसा ही अपना फॉर्मेशन करना है। तो ये जो अब मैं तुम लोग सोचोगे कि ये कहां से आपने फॉर्मेट देखा, तो मैं बताऊं जो टॉप इंटरव्यूअर्स होते हैं उनकी रिकमेंडेशन से ये फॉर्मेट बनाया गया। और कहां से बनाया गया, तो भाई पहले बता दे रहा हूं मैं, ये कोई वीडियो ना पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये वेबसाइट जो है मेरे को कहीं से मिल गई यूट्यूब में, तो मैंने देखा। वैसे मैं बता दूं बहुत सारी ही वेबसाइट है जहां से तुम यूट्यूब में ऑनलाइन टेम्पलेट्स, यार एक बात बताओ जब रेडली अवेलेबल मिल रहा है टेम्पलेट और वो भी टॉप नॉच टेम्पलेट्स है तो हम किसी और में क्यों जाए। तो अगर तुम चाहो तो किसी और वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हो, पर मैं तुमको ये वाली रेकमेंड कर रहा हूँ नोवा रिज्यूमे, ठीक है, NOVORESUME.com। तो यहां पर तुम इस वेबसाइट में जाओगे, तुम रजिस्टर में क्लिक करोगे, रजिस्टर में क्लिक करने के बाद तुम गूगल या किसी से भी साइन इन कर सकते हो, और साइन इन करने के बाद तुम लोगों को जो इंटरफेस मिलेगा, एक मिनट में साइन इन कर लेता हूँ फिर मैं तुमको दिखा। तो ठीक है, अब ये तुम लोगों के सामने मैंने लॉग इन कर लिया इसमें, और मैं बेसिकली अपने पीसी के उस पर आ चुका हूँ, स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं तुमको दिखाता हूँ लॉग इन करने के बाद कैसा इंटरफेस दिखेगा। तो माई डॉक्यूमेंट्स में तुमको तुम्हारे पुराने जो बनाए हुए रिज्यूमे वो मिल जाएंगे, और तुमको बिल्ड माई रिज्यूमे में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये तुम्हारे लिए टेम्पलेट्स को लोड करेंगे, तो ये देखो मेरा पहले से बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखो। तो ये वाले ऐसा आपको टेम्पलेट वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इसी को ओपन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये मेरा बनाया हुआ रिज्यूमे है, ये देखो जो मैं तुम लोगों को अभी दिखाया हूँ, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पर तुम लोगों को ये देखो लेआउट्स में डिफरेंट लेआउट्स मिल जाएंगे, वट एवर लेआउट यू वॉन्ट यू कैन सिलेक्ट। लाइक ये देखो ये वाला सिलेक्ट करोगे तो इसमें एजुकेशन, प्रोजेक्ट वर्क, स्किल अचीवमेंट। अब देखो जैसे मेरा कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं है तो मैंने प्रोजेक्ट वर्क को हटा दिया क्योंकि मैंने कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। अब अगर तुम आईटी स्किल से रिलेटेड हो या तुमने बीटेक किया है तो तुम्हारे कुछ प्रोजेक्ट वर्क होंगे जो तुमने कॉलेज लेवल पे किया होगा। एक्सपीरियंस लेवल के बेसिस पे डिफरेंट होता है, जैसे अगर तुम स्टूडेंट हो और जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो तुम सिलेक्ट कर सकते हो, अगर तुम ग्रेजुएट और तुमको कुछ एक्सपीरियंस है तो अलग होगा, इंटरमीडिएट 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अलग होगा, सीनियर हो तो अलग होगा, फ्रीलांसर हो तो अलग होगा, ठीक है। तो लेआउट से डिफरेंट डिपेंड करते हैं। थीम्स में तुम अलग अलग थीम सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर से मेरे को तो यही वाला डिसेंट लगा तो मैंने यही। फॉन्ट में भी तुम्हारे पास वेरियस फॉन्ट्स के सिलेक्शन है, तुम जो सा चाहो ये देखो यहाँ से तुम बस इसको क्लिक करोगे और ये तुम्हारे फॉन्ट्स क्या हो जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो मेरे को तो ये वाला फॉन्ट बेटर लगा तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, ठीक है। थीम्स में भी तुम अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ जो स्टार बना हुआ है ना वो प्रीमियम वर्जन का है, तो प्रीमियम वर्जन के लिए जाने की जरूरत भी नहीं है भाई, ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये देखो। अब उसके बाद यहाँ तुम जिस पोर्शन पे क्लिक करोगे उस पोर्शन पे वो तुमको एडिट करने का ऑप्शन देगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं मेन कॉन्टेक्ट अपना चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, मेरे को अभी नहीं करना है। ये देखो यहाँ से तुम अपना नाम, ईमेल आईडी, नाम, ये देखो ये वाले पोर्शन पे अगर आप क्लिक करोगे, क्यों नहीं रहा, हाँ ये देखो यहाँ से तुम ये वाले पोर्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम अपनी ये सारी चीजों को ये देखो एडिट कर सकते हो। यहाँ से ये देखो तुम अपनी सारी एजुकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स यहाँ पर आप क्लिक करोगे। अगर आप प्लस में क्लिक करोगे तो आपका ये देखो एडिशनल और सेक्शन, मतलब अगर आपकी एजुकेशन 2, 3, 4, 5 जितनी है उतनी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर आप क्लिक करोगे देखो प्लस क्लिक करके आप और डाल सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट्स आप प्लस क्लिक करोगे और डाल सकते हो। फिर जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है वो सब चीजें आपको मेंशन करनी है। आपके लैंग्वेजेस, अगर आपको इससे ज्यादा लैंग्वेजेस आती है, अगर आप जैसे आप मान लो साउथ को बिलोंग करते हो, आप साउथ के किसी फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हो तो वहां में भी प्रायोरिटी देते हो रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि वहां क्लाइंट वैसे होंगे, तो आप वो भी लैंग्वेजेस को मेंशन कर सकते हो। मतलब ओवरऑल इस पूरे डॉक्यूमेंट को तुम जैसे चाहो वैसे एडिट करके तुम इसको फॉर्मेशन दे सकते हो अपना। और ये चीज इतनी ज्यादा इफेक्टिव है ना, मतलब एक पेज के अंदर इतना सारा डेटा तुम दे रहे हो। और ये देखो तुम यहाँ 5 डॉट्स को क्लिक करोगे 5 हो जाएगा, 4 को क्लिक करोगे 4 हो जाएगा, 2 को क्लिक करोगे 2 हो जाएगा, ऐसे करके तुम कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक सेव करेगा। लास्ट में ये देखो डाउनलोड का बटन दिखेगा, डाउनलोड में तुम क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये देखो डाउनलोड हो जाएगा। गेम ये है कि इस वाली वेबसाइट में आप अपना एक ही रिज्यूमे फ्री में बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा भाई, एक ही रिज्यूमे फ्री में बना सकते हो तो क्या हुआ, एक ही रिज्यूमे तो बनाते हैं, और आप उसको मल्टीपल टाइम्स एडिट कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स। तो एक ही रिज्यूमे बनाओ, बार बार एडिट करो, जब लग रहा है प्लस करो माइनस करो, प्लस करो माइनस करो, मल्टीपल टाइम्स यू कैन एडिट दोस डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें कोई इशू वाली बात यहाँ पर नहीं उठेगी, तो आप आराम से ये काम कर सकते हो। तो होप सो तुमको ये बात समझ में आई होगी रिज्यूमे की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसा फॉर्मेट क्या होना चाहिए रिज्यूमे का, ये चीज समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो एक बार अपना खुद का रिज्यूमे बनाओ, स्टार्टिंग में गलती होती है, 2-3-4 बार गलतियां होगी, पर धीरे 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 इसको आप इंप्रूव करोगे रिज्यूमे। बस कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना, एक पेज का होना चाहिए, एक पेज से ऊपर वो नहीं जाना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो अट्रैक्टिव तो यहाँ पर वो दिख रहा है। आपकी जो भी चीजें उसको आपको मेंशन करना है, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड चीजें हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को लास्ट में बताना चाहूंगा, ठीक है, कि आप जहां से भी कोई भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, आप गूगल डॉक्स भी यूज कर सकते हो, वहां पर भी रिज्यूमे का फॉर्मेट होता है। आप जो भी वेबसाइट से यूज कर रहे हो, ठीक है, रिज्यूमे को आप पीडीएफ फॉर्मेट में रखे रहना अपने पास, और कोई फॉर्मेट में रखे हो ना रखे रहो, कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में ही उसको सेंड करते हो। समझ में आ रही होगी आप लोगों को बातें। तो वीडियो को खत्म करते हुए मैं तुम लोगों को लास्ट में बस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस कोई भी ऊटपटांग सी चीजें अपने रिज्यूमे में मत डालना जो तुम लोगों के उसमें नहीं है। जो तुम लोग बेसिकली मैं तुम लोगों को बोलूं, अपने आप को ओवरहाइप करने की कोशिश मत करना रिज्यूमे में। जैसे मान लो तुमने लिख दिया यहाँ पर इन्फ्लुएंसर या डिसीजन मेकिंग तुमने लिख दिया, मान लो ये चीज झूठ निकली, मतलब तुमने ऐवे ही वहां पर पढ़े, अरे डिसीजन मेकिंग भी कुछ होता है क्या, क्लिक कर दिए, बोले इंप्रूवमेंट होगा इससे भाई इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ेगा, मत करना, क्योंकि तुम्हारे रिज्यूमे को सामने रख के वो तुमसे क्वेश्चनिंग करते हैं इंटरव्यू में। तो अगर वो चीज तुमने गलत लिखी है अपने रिज्यूमे में और तुमसे वो चीज पूछ दी गई या क्वेश्चन कर दी गई, और अगर आपने आंसर नहीं दे पाया, ठीक है, अगर आप आंसर देने में असमर्थ रहे सिंपल शब्दों में, है ना, इफ यू आर फेल्ड इन आंसरिंग दोस क्वेश्चंस एंड द क्राइटेरिया ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, रिलेटेड टू योर रिज्यूमे, देन डेफिनेटली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि उसको झूठ कंसिडर किया जाएगा कि आपने झूठ बोल दिया रिज्यूमे में। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मत लिखना जिसके लिए आप श्योर नहीं हो, या आप हैवी, मतलब आप कुछ भी चीज करते हो, जैसे मान लो आप पेंटिंग करते हो, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड के टॉप पेंटर्स कौन है, पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है आपको, तो जैसे आप शेयर मार्केट लिखोगे तो आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको बीएससी एनएससी जो भी चीज है उन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। रिज्यूमे में कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मत डालना जो आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो, आपको इंटरव्यू के टाइम में फंसा सके। तो बस इतना ही तुम लोगों से बात करना था, बाकी कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और फर्दर मैं तुम लोगों को बोलूंगा लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में कमेंट सेक्शन बताना, सिखाना है क्या कैसे बनाती है लिंक्डइन की प्रोफाइल। प्लस एक और चीज, आपके दिमाग में जो भी वीडियो के टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, यार करियर से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, ये सबसे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर रिसर्च करके वीडियो बना सकूं, तुम लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है, जिससे हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं तुम लोग अगले वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।